आवाज आने लगी है, थैंक गॉड आपकी आवाज आ रही है। एंड जाओ भाई कैसे है, सबसे पहले ये बताइए और कैसे राज कर? मैं अच्छा हूँ, मैं आज का दिन काफी अच्छा रहा। ओके बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, बहुत सिंपल था, बट क्या प्लान था आज का, मतलब क्या करना है आज? बहुत कांटे की टक्कर दी आपने, फाइनली जंप मारा। जैसे पता तो काफी मुश्किल है, जैसे टॉप 2 में तो आना, तो ट्राई कर रहे थे आईएनएस के लिए प्रैक्टिस करें अच्छे से, आईएनएस की प्रिपेयर कर रहे थे। जी बिल्कुल, ये तो मतलब बखूबी इन्होंने अभी से बोलते हैं कि आईएनएस के लिए काफी अच्छी तरीके से इनकी तरफ से प्रैक्टिस देखने को मिल रही थी। लेकिन जाओ भाई देखिए यार, फिलहाल ना हमने बखूबी देखा है कि स्टार्टिंग के वीक्स इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज यहाँ पर लाइक बिल्कुल लाइक होता ना कि बिना डर के खेलते हुए दिखाई देते, हर एक एंगल में फिलहाल फाइट ली जा रही थी। तो कहीं ना कहीं पहले से दिमाग में फिक्स था कि बस चलिए कोई दिक्कत नहीं है, पहले के मैचेस जैसे गए गए, लेकिन प्लेइंग्स में यहाँ पर एक अच्छे फाइट के साथ हम लोगों को उतरना है, क्योंकि यहाँ पर दूसरी टीम्स को एक अच्छा कॉम्पिटिशन देना है। क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली आज आपने यहाँ पर बुए निकालो, काफी सारी टीम्स की आंखों में आ गए हैं कि बस यहाँ पर उन्होंने धमाल मचाया, तो प्लेन्स इनसे जरूर प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो प्लेन्स के लिए क्या कुछ यहाँ पर प्रिपेयर करके रखा है आपने? जैसे फाइट में काफी दिक्कत आ रही थी स्टार्टिंग में, हम खेल रहे थे तो मतलब FFIC में इसमें, तो हम बेसिकली ये सोच रहे थे कि इस बार फाइट पे वर्क करेंगे इस दिन, ताकि INS में कोई प्रॉब्लम ना आए, फाइट जहाँ पे भी होगी तो अच्छे से ले सके, तो आज ये मेंटेलिटी थी। जी बिल्कुल, और भाई क्या बात है, मतलब अपनी अभी से प्रिपरेशन चल रही है। जी हाँ, अभी से प्रिपरेशन चल रही है। एंड अगर हम बात करेंगे, कई सारी टीम्स प्रिपेयर करती हैं, आपको एक बार आगे देखना पड़ता है, एंड उनमें से UGs हैं, उनको पता चल गया था कि थोड़ा शेकी परफॉर्मेंस गया है, बट अब क्या प्रिपरेशन है, मतलब प्रिपरेशन के तौर पे क्या कमियां रहेगी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कमियां रहेगी थी, कुछ पॉइंट जो आप शेयर करना चाहें? ऐसे कभी कुछ नहीं थी, बस थोड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था, और थोड़े जैसे काफी प्लेयर्स मतलब अपने कंफर्ट जोन में नहीं थे एक तरीके से कह सकते हैं, तो थोड़ा कोऑर्डिनेशन पे वर्क कर रहे थे और बस फाइटिंग में प्रॉब्लम आ रही थी। ओके तो ये चीज है, तो अभी आप यहाँ पे थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन में आपकी कमी आई आप ये बता रहे हैं, तो अब प्लेन्स की प्रिपरेशन, तो इस बार प्लेन्स में मतलब क्या टॉप 1, जैसे आज के दिन, जैसे एक दिन के अंदर में हमने देखा है कि UGs एक ऐसी टीम है जो कभी भी गेम चेंज कर सकती है, बट प्लेन्स के अंदर भी टॉप 1 हमको देखने को मिलेगा आपकी साइड से, या फिर क्या रहने वाला है? अब टॉप 1 के लिए ही जाएंगे। क्या बात है, कमिटमेंट अभी से डाल दिया और भाई, और इसी के साथ देखिए जाओ भाई, आई नो लाइक काफी तगड़ा गेम आज आपका रहा है, लेकिन यार मैं पूछना चाहता हूँ, गोल्डन को आज क्या खिलाया था भाई आपने? गोल्डन को बस, गोल्डन कुछ नहीं, बस प्रैक्टिस करके आया था जैसे डेली करता है, बस ये है आज थोड़ा मेंटेलिटी चेंज थी, हम फाइट पे जा रहे थे तो किल्स से निकल रहे थे। जी बखूबी, ये चीज हम लोगों को बखूबी देखने को मिली, क्योंकि जो स्नाइपर आज उन्होंने यहाँ पर यूज करी है बॉस, मतलब हर एक एंगल में उनकी स्नाइपर्स हम लोगों को देखने को मिल रही थी, हर एक एंगल में उन्होंने जो सपोर्ट आज यूजी एम्पायर के हर एक टीम मेंबर को दिया है वो काफी इनक्रेडिबल था, एंड आई होप लाइक प्लेइंग्स में ऐसा ही कुछ देखने को मिले। तो आप लाइक बखूबी, ये तो है ही यार, देखिए कि अभी तक के जो मैचेस थे वो इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन आज के मैचेस काफी इंटरेस्टिंग रहे आपके लिए, एंड आई होप ये जो कोऑर्डिनेशन है ये मेंटेन रहे आपका, और आई होप और भी अच्छे से लाइक हम लोगों को धमाल देखने को मिले। लेकिन और भाई कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आप हमारे? जाओ भाई से मैं तो बस ये कहूंगा कि फाइनली आपने जो गियर चेंज करें आज, पैसिव से आप डायरेक्ट अग्रेसिव आए, काफी अच्छे चेंजेस देखने को मिले। फाइनल्स में क्या पूरे अग्रेसिव रहोगे या फिर मतलब पैसिव की तरफ जाना है, मतलब अग्रेसिव आपके लिए वर्क कर रहा है, तो कुछ ऐसा सोचा है कि यार जब ये चीज वर्क कर रही है तो वो आगे भी वर्क करेगी आपके लिए? जैसे गेम के अकॉर्डिंग करते हैं, कभी अग्रेशन कभी पैसिव, मतलब डिपेंड करता है सिचुएशन पे। पॉइंट्स टेबल में आगे चल रहे हैं तो आराम से खेलना, अगर पीछे चल रहे हो मतलब टारगेट वारगेट देख के पूरा कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है। अच्छा मैं आखिरी क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, प्लेन्स के अंदर टीम्स तो आपको पता चल चुकी है कौन कौन सी होने वाली है, कोई एक टीम जो आपको लगता है कि आपको चैलेंज दे सकती है, आपके लिए थोड़ी मुसीबतें पैदा कर सकती है, कोई एक टीम? देखो टीम तो कोई भी नहीं है, दिन होता है, उस दिन जिसका दिन रहेगा वही दिक्कत करेगी। ओके तो बहुत बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर थे, बहुत शॉर्ट आंसर थे, मेरे को लग रहा है कि प्रिपरेशन में काफी ज्यादा बिजी है, प्रिपरेशन काफी ज्यादा करने की कोशिश करेंगे एंड अच्छी प्रिपरेशन करेंगे, और उसके लिए ऑल द बेस्ट कि भैया आपके डेज अच्छे जाएं, प्लेन्स आपका अच्छा जाए। बट इसके साथ ही साथ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा प्ले इन्स कब होने वाले हैं, तो वो होने वाले 10th of October को, तो भाई बिल्कुल इंतजार करो, एंड यहाँ पे उस दिन आपको मैचेस देखने को मिलेंगे शाम को 6 बजे से, तो उसके लिए आप लोग वेट करो। एंड इविल भाई कोई आखिरी चीज आप कहना चाहें? बस यही बाजी की थैंक यू सो मच गाइज, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ऐसे प्यार यहाँ पर 10th October ठीक शाम 6 बजे भी देना, तो थैंक यू सो मच वॉचिंग, अब मिलेंगे आप लोगों से 10th October को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, लव यू ऑल, एंड या पीस आउट।